मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं फिर से आपके अपने चैनल पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्लास में देखा था वो आपको याद होना चाहिए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई डायपोल रखा जाए तो डायपोल पे क्या लगेगा, बल युग्मक का आघूर्ण, और बल युग्मक के आघूर्ण के कारण सिस्टम मतलब डायपोल घूमने का प्रयास करता है। मतलब ये डायपोल मोमेंट इसको घुमा रहा था और क्षेत्र की दिशा में लाने की कोशिश भी कर रहा था, और वो डायपोल पर लगने वाला यह बल आघूर्ण PE साइन थीटा हो रहा था। याद है? नहीं याद है तो जाकर के उसको एक बार देख लेंगे तो याद आ जाएगा। उसी के आगे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर डायपोल को क्षेत्र में घुमाया जाए तो डायपोल को क्षेत्र में घुमाने पर इस पर किया गया कार्य क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक यही है कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में डायपोल को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। राइट, तो आइए देखते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य, मतलब बंधन निकालना हम लोगों को डायपोल घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा। राइट, तो आइए चेक करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई यूनिफॉर्म फील्ड है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये सब इक्विडिस्टेंट है, और इक्विडिस्टेंट का मतलब समदूरस्थ है, और समदूरस्थ में क्या होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक समान रहती है, सेम रहती है। जो मान इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इधर भी होगा। राइट, और आपको ये भी पता था कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दी इधर तो कहां से चल के आ रही होगी, प्लस से, और कहां को जा रही होगी, माइनस की ओर। राइट, तो यहां पर सपोज कर लीजिए कि एक डायपोल हमने यहां पे रख रखा हुआ है। राइट, जैसे ही आप कोई डायपोल किसी फील्ड में रखते हो तो डायपोल पे लगने लगता है क्या, डायपोल पे लगता है बल युग्मक का आघूर्ण। तो यहां पे डायपोल पर बल युग्मक का आघूर्ण कार्य करने लगेगा। तो लीजिए माइनस क्यों और एक तरफ प्लस क्यों, जैसा कि आप जानते हो, और डायपोल का नाम तो अपने आप से आप रख सकते हो AB, हालांकि हम लिख देंगे इस वर्ड्स को। तो यहां पे डायपोल जैसे ही रखा, आपको पता है कि यहां चार्ज और यहां चार्ज दोनों तरफ चार्ज की वैल्यू अमाउंट समान होती है, अमाउंट समान होने के वजह से इस वाले सेक्शन की ओर भी इधर बल लगेगा। राइट, और इस वाले सेक्शन की ओर भी इधर बल लगेगा क्योंकि अमाउंट सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, इसलिए दोनों साइड पर लगने वाला बल भी सेम होगा और इक्वली अपोजिट होगा। राइट, तो इक्वली अपोजिट कहने का मतलब एक पर बल की डायरेक्शन इधर होगी और फॉर्मूला होने वाला है क्यू इंटू ई, और एक पर बल का डायरेक्शन इधर होगा जो फॉर्मूला होने वाला है वो अगेन एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ये सब हम लोग जानते हैं, और ये करता क्या है बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि सिस्टम देखिए अगर किसी फील्ड में रखा हुआ है तो दो तरीके का इक्विलिब्रियम शो करता है, मतलब साम्यवस्था शो करता है। अगर ये सिस्टम ऐसे है और इधर भी बल अनुभव करा, इधर भी तो कहीं जाने वाला तो है नहीं, इसका मतलब स्थानांतरीय संतुलन में है ये, मतलब कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। और अगर सिस्टम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है लेकिन अभी भी घूमना चाहता है क्योंकि ये एक ही लाइन पर बल नहीं लग रहा है, तो ये बल इसको चाहता है कि घुमा दे, अब घुमाने का प्रयास तो करेगा, इसको घुमा करके ऐसे लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये सिस्टम को घुमाने का प्रयास कौन कर रहा था, ये दोनों बल कर रहे थे, इसलिए इस पर बल युग्मक का आघूर्ण काम कर रहा था, और यही कारण है कि इस बल आघूर्ण के कारण ये घूम करके यहाँ पे आया था। जब किसी सिस्टम पर बल युग्मक का आघूर्ण या बल आघूर्ण कार्य करे और सिस्टम किसी निश्चित बिंदु या फिर निश्चित अक्ष के सापेक्ष घूमना स्टार्ट कर दे तो इसका मतलब कि उस पर कार्य हो रहा है। ये कार्य हम भी कर सकते हैं, ये कार्य खुद भी ये कर सकता है, इसका मतलब सिस्टम पर कार्य तो हो रहा है, ये तो तय है। अब ये देखना है कि अगर मैंने डायपोल को ऐसे रख दिया और जब हमने रखा था इसको ऐसे, तो इस समय ये फील्ड, इस फील्ड का डायरेक्शन है, और ये फील्ड कोई और नहीं बच्चों, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये फिलहाल के लिए थीटा वन एंगल बना रहा है। राइट, तो इस समय ये थीटा वन एंगल बना रहा है, और आप चाहते हैं कि डायपोल जब इसमें रखा गया तो इस समय तो ये बल आघूर्ण अनुभव कर ही रहा होगा, हम चाहते हैं कि इस सिस्टम को घुमा करके
एक नए एक्सिस पर लाया जाए, मतलब अलग दिशा में लाया जाए। तो डाइपोल को लीजिए, आपने घुमाना शुरू किया, किस दिशा में घुमा रहे हो? इधर। तो डाइपोल अभी ऐसे रखा था और डाइपोल को ये घुमाते हुए घुमाते हुए घुमाते हुए घुमाते हुए ऐसे ले आए, क्योंकि आपने जो भी दिशा निकालनी है वो एक किसी पर्टिकुलर एक्सिस के रिगार्डिंग निकालनी है, और ये वाली दिशा आपको पता है, और डाइपोल तो एक सदिश राशि होती है, तो एक दिशा तो आपको फिक्स करनी होगी कि किससे ले हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फिक्स है और ये वाली दिशा बदलनी है नहीं, तो आपने बदलना क्या है? डाइपोल बदलना है। डाइपोल बदल करके आपने डाइपोल का डायरेक्शन ऐसे कर दिया, द्विध्रुव का डायरेक्शन ऐसे कर दिया, तो डाइपोल अब ऐसे आ गया। तो इसका मतलब इनके बीच में अब नया एंगल बच्चों क्या होगा, तो इनके बीच में जो नया एंगल होने वाला है वो फील्ड से होने वाला है थीटा 2, राइट? थीटा 2। अभी ये कैसे था? अभी ये ऐसे था तो थीटा 1 बनाता था, इसको आपने ट्विस्ट करके ऐसे ला दिया, इसका मतलब ये डायपोल अपनी एक्सिस से घूम करके नया एंगल थीटा 2 बना रहा। तो डायपोल देखिए अपनी एक्सिस बदल दिया। क्यों बदला? क्योंकि हमने इस पर काम किया। जब हम किसी चीज को घुमाते हैं ना, तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है, तो सिस्टम पर बल आघूर्ण कार्य कर रहा है, और जितना ज्यादा घुमाएंगे आप उतना ज्यादा कार्य इस पर देखने को मिलेगा। तो आइए स्टेटमेंट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में स्टेटमेंट से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो कैसे? माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव एबी को रखा गया, जहां द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि बल युग्म का आघूर्ण इस पर कितना कार्य करता है, तो बल युग्म का आघूर्ण tau is equal to PE sin theta, और याद है ना कि PE sin theta में P आपका डायपोल मोमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण है, और E इलेक्ट्रिक फील्ड है, और sin theta में theta आपका एंगल है, जिस एंगल पे आपने इसको रखा था इनिशियली। अब क्या करना है? अब डायपोल घूमने का प्रयास तो करने लगा है, और जब ये सिस्टम घूमेगा तो जितना ज्यादा घुमाएंगे उतना ज्यादा कार्य होगा। सीधी सी बात है कि अगर किसी डायपोल को ऐसे आपने पकड़ रखा है और इसकी एक्सिस फिक्स है, अब इसको जितना घुमाओगे तो यहां से यहां तक घुमाया तो कुछ कम घुमाया, इसलिए वर्क डन भी कुछ कम होगा। ज्यादा घुमाओगे मतलब ज्यादा कोण बनेगा, इसका मतलब और ज्यादा वर्क डन होगा। तो सिस्टम को जितना ज्यादा आप घुमाएंगे उतना ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कोणीय विस्थापन होगा, और जितना ज्यादा कोणीय विस्थापन उतना ज्यादा कार्य। मतलब यह है कि सिस्टम को घुमाने के लिए बल आघूर्ण तो चाहिए, बिना बल आघूर्ण के घूमेगा कैसे? बल आघूर्ण तो लगाना पड़ेगा ना, और बल आघूर्ण लगेगा लेकिन कोणीय विस्थापन देखिए, कोणीय विस्थापन हर बार अलग अलग, पहले कोणीय विस्थापन कम था, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। इसका मतलब जैसे जैसे आप कोणीय विस्थापन बढ़ाएंगे उतना ज्यादा कार्य करेंगे, किस पर? सिस्टम पर, डायपोल पर। तो हम मान लेते हैं कि सिस्टम को जब आपने घुमाना शुरू किया होगा तो थोड़ा कम कोणीय विस्थापन के लिए अगर घुमाए तो कितना कार्य होगा? तो द्विध्रुव को आंशिक कोणीय विस्थापन के लिए घुमाया जाए तब द्विध्रुव पर कृत कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है? dW is equal to आपको tau तो लगाना ही है, बिना tau के तो सिस्टम घूमेगा नहीं, tau into d theta। यहां ध्यान दीजिएगा कि ये फॉर्मूला आपको काफी हद तक इंस्पायर्ड लगेगा बच्चों, W is equal to F into S से। अब यहाँ पे अगर छोटा विस्थापन चाहते हो तो ds, और छोटे विस्थापन के लिए छोटा कार्य मिलता है। ये एक रेखीय कार्य है जिसमें आपको बल लगा करके विस्थापन देना था, और ये एक आपका कोणीय कार्य है जिसमें आपको टॉर्क मतलब बल आघूर्ण लगा करके सिस्टम को आगे लेके जाना है। तो जितना ज्यादा आप आगे लेके जाना चाहते हैं मतलब उसके लिए आपको कार्य ज्यादा करना पड़ता था। यहाँ पे जितना आप टॉर्क लगाएंगे और जितना घुमाएंगे, तो टॉर्क लगा करके आप इसको जब घुमाते हो तो सिस्टम पे काम होता है, ज्यादा विस्थापन ज्यादा कोणीय विस्थापन ज्यादा कार्य, छोटा कोणीय विस्थापन छोटा कोणीय विस्थापन छोटा कार्य, राइट? बल आघूर्ण तो लगना ही लगना है, बिना बल आघूर्ण के घूमेगा नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, यदि इसको हम घुमा ही रहे हैं तो क्या थोड़ा
थोड़ा थोड़ा घुमा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सिस्टम को आपने घुमा करके इसको ला करके ऐसे रख दिया, इसका मतलब थीटा वन से शुरू किया और थीटा टू तक ले गया है। एक बात तो और तय हुई यहां पर कि जब डायपोल को आपने घुमाना स्टार्ट किया था तो डायपोल के अलग 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 एंगल पर टॉर्क अलग अलग होता है, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू भी तो बदल रही है यहाँ पे। और टॉर्क की वैल्यू अगर बदल रही है छोटे छोटे एंगल से, तो छोटे छोटे एंगल पर बदलने की वजह से टाउ आपका क्या हुआ? वेरिएबल। और जब आप किसी वेरिएबल फंक्शन के बारे में बात करते हो तो वेरिएबल फंक्शन के लिए समाकलन किया जाता है, और समाकलन भी कहां से कहां तक? थीटा वन से शुरू करना है आपको और थीटा टू तक जाना है, राइट? बात समझिएगा। अर्थात यदि निकाय को थीटा वन से थीटा टू तक घुमाया जाए तब द्विध्रुव पर कृत कार्य, तो कार्य के लिए क्या करेंगे? कार्य के लिए W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहां से शुरू करना है? थीटा वन से। कहां तक जाना है? थीटा टू तक। शुरुआत हुई थी यहां से और एंगल तो आप क्षेत्र की दिशा से ही लोगे, तो घुमा करके आप इसको ऐसे लेके आ गए तो थीटा टू तक। क्या किया? घुमाया किससे? बलागुण से। किसके साथ? कोणीय विस्थापन के साथ, राइट? यहां W जो है वो बताता है कि सिस्टम को यहां से यहां तक ले जाने के लिए कुल कार्य कितना होगा, और कहां से कहां तक ले जाना है ये लिमिट बताती है। इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट, मतलब छोटी वाली लिमिट जहां से शुरुआत हुई थी, बड़ी वाली लिमिट जहां पे आपने खत्म कर दिया, राइट? तो यहां अब आगे करना है इंटीग्रेशन थीटा वन से थीटा टू, लिमिट के बाद टाउ की वैल्यू रख दीजिए, टाउ की वैल्यू पी इंटू ई, और यहां पे साथ में कौन है? साइन थीटा, और ये बताता है डी थीटा, राइट? अब इसके आगे देखिए बच्चे, यहां पे हम करने जा रहे हैं, इसमें P क्या है? डायपोल का डायपोल मोमेंट जो कि बदलना है नहीं। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म ही है, आपको पता है। साइन थीटा में थीटा ही वो फंक्शन है जो वैरी कर रहा है, इसका मतलब कि थीटा जो है वो वेरिएबल फंक्शन है, और इसी का हमको करना है इंटीग्रेशन, समाकलन कहते हैं इसको। तो समाकलन करना स्टार्ट करते बच्चों, तो यहां समाकलन मतलब W इज इक्वल टू साइन थीटा का इंटीग्रेशन, जो बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूं, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में अगर करोगे तो आएगा माइनस कॉस थीटा, राइट? माइनस कॉस थीटा, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, साइन थीटा के जगह पे एक्स लिख दो और यहाँ पे एक्स लिख दो तो एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, लेकिन ये थीटा लिखा है, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे और इसके रिस्पेक्ट में आएगा माइनस कॉस थीटा, राइट? तो यहाँ पे आपने पीई तो करना नहीं है क्योंकि पीई एक कॉन्स्टेंट है। कैसे पता कि थीटा का ही होगा? क्योंकि डी लगा है जिसके साथ उसी का होना है, तो साइन थीटा का आपने इंटीग्रेशन कर देना है, समाकलन कर देना है, और ये हो जाएगा बच्चों क्या? माइनस कॉस थीटा। लिमिट जारी है बच्चों, लिमिट आपकी थीटा वन से थीटा टू तक, राइट? माइनस को बाहर कर लीजिए, माइनस बाहर आ गया, और इसको कहते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट किसकी लिमिट है? फंक्शन की, और फंक्शन कौन है? थीटा वाला फंक्शन है। और एक बार अपर लिमिट मतलब बड़ी वाली लिमिट को छोटी वाली लिमिट से घटाना होता है, राइट? तो यहाँ पे आपने लिखना है कॉस थीटा, और थीटा के साथ थीटा टू लिखना होगा, राइट? माइनस कॉस थीटा वन, ये हो गया आपका लिमिट का सब्स्ट्रेक्शन। लिमिट बताता है कि कहां से कहां तक आपको वर्क डन चाहिए। अब आपने क्या करना है? W इज इक्वल टू माइनस पीई, अब माइनस का मल्टीप्लीकेशन अगर मैं कंसिडर कर दूं तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके से आपको मिल गया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, राइट? फिर से बता रहे हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू होगा। इस तरीके से हमने टोटल वर्क डन का फॉर्मूला निकाल दिया। अब मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, ये तो हो गई आपकी बात, यहां तक आपने कंप्लीट कर लेना है। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछूं, अगर इसके बाद इसके अगले क्रम में लिखेंगे आप कि अगर डायपोल को क्षेत्र की दिशा से घुमाना शुरू करें, मतलब अभी तो ये क्षेत्र की दिशा में है नहीं, लेकिन अगर क्षेत्र की दिशा में होगा तो ये ऐसे होगा, राइट? ऐसे, क्योंकि इस समय स्टेबल होता है। और क्षेत्र की दिशा से अगर क्षेत्र के विपरीत लेके जाए, इसका मतलब कि डायपोल को अगर ऐसे रख करके ऐसे लेके जाए, मतलब क्षेत्र के विपरीत घुमा दे तो क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। जरा सोचिए कि अगर डायपोल को क्षेत्र की दिशा से क्षेत्र के विपरीत दिशा तक घुमाया जाए तो कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है? जरा थिंक अबाउट इट, क्षेत्र की दिशा में कितना कोण बनेगा, तो क्षेत्र की दिशा में
कोण बनाएगा 0 डिग्री और क्षेत्र के विपरीत दिशा में लेके जाओगे तो क्षेत्र से फिर ये 180 डिग्री बनाएगा। इसका मतलब कि अब मैं यहाँ पे आपसे एक छोटा सा नोट ऐड करने के लिए कहूंगा कि यदि द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से क्षेत्र के विपरीत दिशा तक घुमाया जाए तब द्विध्रुव पर कृत कार्य, अब ध्यान दीजिएगा कृत कार्य निकालना, तो क्षेत्र की दिशा में कितना थीटा वन की वैल्यू 0 डिग्री और क्षेत्र के विपरीत दिशा में लेके आओगे, ठीक है, तो ऐसे केस में जो फाइनल एंगल मिलेगा वो 180 डिग्री मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे कार्य निकालिए, कार्य कैसे निकालोगे, तो कार्य निकालने के W is equal to PE cos थीटा वन, राइट, cos थीटा वन, थीटा वन की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, 0 डिग्री लिखते हैं और माइनस cos थीटा 2 की जगह पे cos 180 डिग्री, राइट, बंद करिए। cos 0 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1 और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 का माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा, w is equal to pe cos 0 की वैल्यू 1 और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये फाइनली हो जाएगा w is equal to plus 2 pe। क्या समझ में आया, इसका मतलब कि द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से क्षेत्र के विपरीत दिशा तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो उसके लिए कार्य करना पड़ेगा प्लस 2PE। वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में ये बात को फिट करिए कि खासकर कॉम्पिटेटिव, मतलब कि जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होंगे, प्रवेश परीक्षा होंगी, उसमें भी ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्षेत्र की दिशा से डायपोल को विपरीत दिशा में लाने में कितना काम करना पड़ता है, तो करना पड़ेगा 2PE, राइट। अब यहां पर आपके लिए एक एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल है, ये देखते हैं। हाँ तो बच्चों हमारे पास ये एग्जाम्पल है, अब हम एग्जाम्पल से इस टॉपिक को और ज्यादा क्लियर करेंगे, जो भी क्वेश्चन या टॉपिक के बारे में बात हो रही है उसको सिस्टमेटिक करिएगा। एक बात याद रखिए, टॉपिक के बाद उसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी प्रैक्टिस करनी है, लिखना भी उसी सिस्टमेटिक वे से है। आपने समझा अभी और देखते हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमें कैसे डील करना है। देखिए मैंने डायग्राम नहीं रेस करा है, डायग्राम भी इसी से रिलेटेड है, तो इस डायग्राम से चीजें ज्यादा क्लियर होने वाली है, इसीलिए इसको छोड़ रखा गया। आइए देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है। यदि किसी 2.4 × 10⁻¹⁷ गुलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण के निकाय को 6.4 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा सिर्फ 30 डिग्री से शुरू करके 120 डिग्री तक घुमाया गया, अगर घुमाया गया है तो उसमें कितना काम करना पड़ेगा ये पूछा गया। मतलब डाइपोल पहले ऐसे रखा गया था तो 30 डिग्री कोण पर रखा गया था, अब 30 डिग्री से घुमाते हुए इसको कितने डिग्री तक 120 डिग्री तक लाया गया। आपसे पूछा यह गया है कि 30 डिग्री से 120 डिग्री तक लाएंगे तो ये कितना वर्क डन करेगा, राइट। तो ये है आपका क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि करना कैसे है। अब तो डायग्राम से क्लियर है ना, 30 डिग्री से 120 डिग्री तक कैसे लेके आ रहा है, अब आपको कैसे करना है वो देखिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, क्या लिखना है, P की वैल्यू लिख लेना है। इनमें से P की वैल्यू कौन है, जिसमें कूलाम मीटर लिखा होता है उसे द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं बच्चों, तो 2.4 × 10⁻¹⁷ कूलाम मीटर, राइट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 6.4 × 10³ न्यूटन प्रति कूलम, राइट, ये भी हो गया। अब आपको थीटा वन जो कि शुरुआत में ही दे रखा है, जिससे घुमाना स्टार्ट किया गया था क्षेत्र की दिशा से, और क्षेत्र की दिशा से इस बात का ध्यान रखिएगा इसको घटाना नहीं है, ये फाइनल एंगल दिया है कि कितने दूरी तक, मतलब कितना कोणीय विस्थापन आपने फाइनली दिया था, और फाइनली आपको पूरा कोणीय विस्थापन ही लिखना है, इसमें घटाने की कोई एक्स्ट्रा आपको एक्टिविटी नहीं करनी है। अतः कार्य निकालना है तो द्विध्रुव पर कृत कार्य, तो कार्य का फॉर्मूला बहुत अच्छे से अभी आपने देखा था, P into E cos थीटा 1 minus cos थीटा 2, राइट। तो अब आपको करना क्या है, P की जगह पे P की वैल्यू 2.4 × 10⁻¹⁷, E की जगह पे E की वैल्यू 6.4 × 10⁻³, राइट, और cos थीटा 1 की वैल्यू क्या लिखेंगे 30 डिग्री, और इसकी जगह पे cos 1
20 राइट, यहां पे आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ये आपका काम होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना और माइनस 7 और 3 ये हो जाएगा माइनस 4। और cos 30 की वैल्यू बच्चों क्या होती है पता है ना, cos 30 की वैल्यू √3/2 और यहां पर cos 120 की वैल्यू, तो cos 120 की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। cos 120 की वैल्यू को अगर आप 90 प्लस करके करना चाहो तो ये आ जाएगा sin 30 और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, माइनस में आएगी क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट है, तो माइनस यहां माइनस पहले से प्लस, ये हो जाएगा 1/2। 1/2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो 1/2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 1/2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 2.4/2 × 6.4 × 10⁻⁴ √3 + 1 राइट, √3 की वैल्यू 1.73 होती है, 1.73 इसके साथ ऐड करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये कैंसिल कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.2 × 6.4 × 10⁻⁴ (1.73 + 1) इसको ऐड करके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही आपको मिलेगा जूल में आंसर, मतलब जो कार्य मिलेगा वो आपको मिलेगा जूल में राइट। समझ में आ गई बात कैसे करनी है, तो ये बातें हमने देख ली कि द्विध्रुव को घुमाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, तो 30 से हमने ले रखा 120, हो सकता है 60 से 120 आए, 150 तक आ सकता है, तो ये आप अपने से कर सकते हैं, ये आपको प्रैक्टिस कर लेनी है इसी से। अब मैं बता दूं कि अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डाइपोल को जब हम घुमा ही रहे हैं तो उसमें स्थिर ऊर्जा क्या होगी, स्थिर ऊर्जा के बारे में भी जानेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए, अगले लेक्चर का वेट करिए, धन्यवाद।